जीवन में छोटा सा पॉजिटिव एफर्ट भी समाज में बड़ा बदलाव लाने के लिए काफी होता है। यह कथन एक चंडीगढ़ के सरकारी कॉलेज की एक रिटायर प्रोफेसर ने सही साबित कर दिया है। बीते 20 सालों में घरों में काम करने वाली महिलाओं और मजदूरों के बच्चों को इस प्रोफेसर ने जीवन की नई राह दिखाई है। चंडीगढ़ में एक सरकारी कॉलेज की रिटायर्ड प्रोफेसर ने ये कारनामा कर दिया है, जो जानी मानी हस्ती पावर होने के बावजूद नहीं कर सके। जी हाँ, प्रोफेसर अनुराधा शर्मा ने गरीब बच्चों को पढ़ाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है। यही नहीं, प्रोफेसर ने अपने ही घर को स्कूल बना लिया है और यही बच्चों को पढ़ाया करती है। नमस्कार, नगरी न्यूज में आपका स्वागत है, मैं गरिमा आपके साथ। चंडीगढ़ शहर के सेक्टर 11 में पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज यानी GCM से रिटायर्ड प्रोफेसर अनुराधा शर्मा समाज के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है। जरूरतमंद बच्चों के लिए प्रोफेसर ने अपने घर को ही पाठशाला बना दिया है और साथ ही सैकड़ों बेटियों को इन्होंने पढ़ाकर आज समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है। यह सिलसिला अभी भी जारी है। प्रोफेसर अनुराधा शर्मा का जीवन किसी को भी भावुक और उनके लिए तालियां बजाने पर मजबूर कर देगा। आपको बता दें कि शहर के सरकारी मकान में रहते हुए इन्होंने देखा कि उनके आसपास के घरों में काम करने वाली महिलाओं के बच्चों के लिए शिक्षा का कोई साधन ही नहीं है। बस यहीं से अनुराधा शर्मा ने इन खास बच्चों को जीवन में शिक्षित कर उन्हें भी सम्मान का जीवन दिलाने का प्रण ले लिया। पंचकूला के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज 14 से रिटायर होने के बाद अनुराधा शर्मा इन दिनों बेटियों को हर रोज 3 से 4 घंटे पढ़ाती है। बता दें कि 2003 से अभी तक प्रोफेसर अनुराधा 5000 से अधिक गरीब और जरूरतमंद बच्चों को पढ़ा चुकी हैं। इन्होंने हमारी कक्षा नाम से NGO शुरू किया था। कड़े संघर्ष के बाद पूर्व DPI SK सेतिया ने सेक्टर 7 में सरकारी प्राइम स्कूल में छुट्टी के बाद अनुराधा को गरीब बच्चों को पढ़ाने की अनुमति दी। हर वर्ष 500 से अधिक सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं के बच्चों को स्कूल में लाकर प्रोफेसर ने पढ़ाया। गरीब बच्चों के लिए प्रोफेसर अनुराधा द्वारा प्रारंभ की गई हमारी कक्षा में ट्राई सिटी के लोगों ने भी काफी योगदान दिया। वह बताती है कि बहुत से रिटायर्ड शिक्षक, सिविल सर्विसेज, ज्यूडिशियल, बैंक अधिकारियों ने बच्चों को पढ़ाने और उनके लिए जरूरी किताबें खरीदने में मदद की। प्रोफेसर अनुराधा ने कहा कि शहर में कई नामी स्कूलों से 11वीं और 12वीं के बच्चे, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे और BEd कॉलेज से डिग्री करने वाले युवा भी इन बच्चों के जीवन को रोशन करने में योगदान रहते हैं। यहाँ आकर लोगों की सोच बदलने लगी है।